नमस्कार, मैं प्रशांत शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का वन इंडिया में। आईपीएल के 15वें सीजन को शुरू होने में अब बस सिर्फ दो ही दिन का समय रह गया है। सीएसके बनाम केकेआर के साथ शुरू होने जा रहे आईपीएल के इस सीजन का इंतजार सभी को काफी दिनों से था। इस लीग में नई फ्रेंचाइजों के जुड़ने के साथ साथ ही पुरानी फ्रेंचाइज भी नए अंदाज में दिखाई देगी, जहां वो आईपीएल टाइटल अपने नाम करना जरूर चाहेगी। आईपीएल में ऐसी कई टीमें हैं जिन्होंने आज तक एक भी टाइटल अपने नाम नहीं किया है। उनमें से एक टीम है दिल्ली कैपिटल्स, जिनके नाम आईपीएल का एक भी खिताब नहीं है। लेकिन इस साल एक ऐसा खिलाड़ी जो दिल्ली कैपिटल्स को उनका पहला खिताब दिला सकता है, और वो है इस आईपीएल में सबसे युवा कप्तान ऋषभ पंत। दिल्ली कैपिटल्स ने साल 2020 में पहली बार फाइनल में जगह बनाई थी, जिसमें सबसे बड़ा हाथ ऋषभ पंत का रहा था। ऋषभ पंत ने पिछले एक साल में क्रिकेट के हर प्रारूप में अपना स्तर इतना बड़ा कर लिया है कि अब उनके नाम से ही गेंदबाज थर्रा जाता है। भारत के लिए भले ही ऋषभ पंत ने पिछले एक डेढ़ साल से अच्छा प्रदर्शन किया हो, लेकिन आईपीएल में उनका बल्ला लगातार बोला है। ऋषभ पंत इतने ज़्यादा आक्रामक खिलाड़ी हैं कि वो तेज गेंदबाज पर भी क्रीज से बाहर निकलकर बड़ी शॉट लगा सकते हैं। कप्तानी मिलने के बाद से ही उनमें जिम्मेदारी का भाव जगा है, और इसी जिम्मेदारी के साथ वो इस साल अपनी टीम को जीत दिलाने में एक्स फैक्टर का रोल अदा कर सकते हैं। ऋषभ पंत की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो मैदान में आते ही बड़े छक्के लगा सकते हैं। उन्हें क्रीज पर आने के बाद समय नहीं लगता सेट होने में। वो किसी भी स्थिति में अपनी टीम के लिए शानदार प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इस साल पंत बतौर कप्तान भी यही उम्मीद करेंगे कि इस साल उनकी टीम वो गलती ना करे जो पिछले सीजन में की थी, और अंत तक लड़ते हुए पहली बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर ले। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के साथ।